दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MLM कुमाप में। आज के इस वीडियो में जो बात करेंगे कि UMA टोकन्स कैसे क्लेम करें, और आपके सामने मैं लाइव यहाँ पे क्लेम भी करने वाला हूँ। ठीक है, समथिंग मैं जो क्लेम करूँगा 1500 टोन के आसपास, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। एक मिनट, ये रहा 754 टोन और दूसरा और 754 टोन। यहाँ पे मैंने 29 यानी कि 30 तो सुन लगाए हैं, जो सुन टोकन है, और 2.82 UMA टोकन से यहाँ पे लगाए हैं। ठीक है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 10, 10, 20, 11, 22,000 टोन के आसपास। ठीक है, तो इसमें मैंने 22,000 टोन लगाए हैं और लाइव आपको यहाँ पे बताऊँगा विड्रॉल करके। सबसे पहले जाऊँगा यहाँ पे USwapMe.org में जाना है। वहाँ पे जाने के बाद में, एक मिनट थोड़ा इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे रिफ्रेश करेंगे तो इस तरह से एक इंटरफेस आपका आएगा, जहाँ पे आपको एक्टिव ट्रेड यानी कि ये सब एक्टिव ट्रेड है, और अगर आपकी खुद की देखनी है ट्रेड तो यहाँ पे माय में जाके देख सकते हैं, और कमिंग सून में अगर देखनी है तो सून में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी ट्रेड पहले से क्लोज हो चुकी है तो एंड में जाके उसको आप क्लेम कर सकते हैं। तो मैं जाऊँगा एक्टिव में और इसके ऊपर क्लिक करूँगा, 0.0022 UMA टोकन्स यहाँ पे क्लेम करूँगा जो आपके सामने हैं, और क्लेम के ऊपर क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट। जैसे ही एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सब यहाँ से हो जाएगा। ठीक, ये क्लेम हो गया यानी कि यहाँ पे जीरो हो गया, और वैलेट के अंदर चेक करेंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, एक मिनट इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मेरे को टोकन्स मिल चुका है। ठीक है, 0.22। ठीक, तो मैंने कल भी लिया था इसका विड्रॉल, 11 तारीख को 0.23 UMA टोकन्स का लिया था। डेली मेरा यहाँ पे बन रहा है 0.22 इसमें, और एक और बता देता हूँ मैं आपको, वो भी क्लेम करूँगा। तो मैंने यहाँ पे दो जगह लगा रखा है, और यहाँ पे थोड़ा मेरा डिस्टर्ब है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को यहाँ पे भी इसको हटाना है। एक ही चीज़ में करेंगे जो भी करना है, क्योंकि अदरवाइज़ बार बार ट्रांजेक्शन लग रहे हैं। मैंने चार जगह लगा रखे हैं तो चार जगह के अलग अलग ट्रांजेक्शन यहाँ पे लग रहे हैं, जैसे कि 8 TRX मेरे पास पड़े हैं इसमें, और मैं इसमें से करूँगा 0.012 क्लेम्स। ठीक है, जैसे क्लेम करेंगे तो वेट करना है। अब आपका ट्रांजेक्शन फीस यहाँ पे कितना कटेगा आप लाइव देख सकते हैं, यहाँ पे 0.82 यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल कितना कट गया, 4 टोन के आसपास, यानी कि मैंने 5 ट्रेड यहाँ पे लगा रखी है, तो 5 ट्रेड में मेरे को यहाँ पे 20 टोन देने पड़ेंगे यानी कि 50 रुपये के आसपास। तो अब ऐसा नहीं करेंगे, अभी यहाँ पे 0.33 यहाँ पे और क्लेम कर लूँगा, वैसा नहीं करेंगे। उसको क्या करेंगे कि उसको सबको निकाल के एक ही टोकन्स में, या फिर एक ही टोकन में इसको स्टैकिंग करेंगे। या देख सकते हैं यहाँ पे दो जगह मेरा क्लेम हो चुका है। ठीक है, और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे 232 टोन है, 0.69 UMA टोकन्स यहाँ पे क्लेम करूँगा, और क्लेम करने के बाद मैं एक्सेप्ट करने के बाद स्क्रॉल करेंगे, और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे चेक कर सकते हैं 0.019 टोकन्स यहाँ पे इसको करेंगे एक्सेप्ट। ओके, तो ये मेरा टोटल जो था एक्सेप्ट हो चुका है, और यहाँ पे एक और मैंने UMA में लगा रखा है, 0.1 UMA यहाँ पे लगा रखा है, तो इसको मैं अनस्टैक कर देता हूँ, क्योंकि अगर अनस्टैक करूँगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को हर बार एक दिन में 5 ट्रोन यहाँ पे ट्रांजेक्शन फीस के मेरे जा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है कि इसको कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्लेम को छोड़ देंगे। क्लेम लगभग ऑटोमेटिकली निकल गया होगा, और क्या है, माय
ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरे 0.24 UMA टोकन्स यहाँ पे डेली बन रहे हैं। ठीक है, वापस जाएंगे यहाँ पे एड्रेस के ऊपर, तो आप चेक कर सकते हैं लगभग मेरा ट्रांजेक्शन चार्ज 20 TRON के आसपास यहाँ पे लग चुका है। ठीक है, तो ये एक सोचने वाली बात है, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको इतना ट्रांजेक्शन फीस जो है देनी पड़ेगी, क्योंकि 50 रुपये के आसपास। और यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे लगभग 0.22 मैंने यहाँ पे क्लेम कर चुका हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप क्लेम कर सकते हैं। और अब क्या करूँगा, इसको ट्रॉन में कन्वर्ट करूँगा। ये मैंने इसको ट्रॉन में कन्वर्ट किया, सेलेक्ट ए टोकन्स UMA, उसको ऊपर करेंगे और 1120 TRON, यानी कि एक टोकन की कीमत कितनी है चेक कर लेते हैं। 1 मिनट, ₹3,370 के आसपास। ठीक है, तो एक इसकी जो प्राइस है थोड़ी कम हो चुकी है, तो मेरे को तो ऐसे ऑलरेडी इसको क्लेम ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। 100-500 ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है, 50-60 TRON का 100 TRON का आसपास डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने स्वाप किया और एक्सेप्ट, तो मेरा अब यहाँ पे आप चेक करना कर चुका बैलेंस, और मेरे को यहाँ पे 1120 TRON यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं मेरे जो दूसरे एड्रेस से हैं उससे भी क्लेम कर लेता हूँ। दूसरे एड्रेस से मैं इसको UMA टोकन्स को क्लेम कर लेता हूँ समथिंग 747 TRON के आसपास। ठीक है, तो इसको भी स्वैप किया एक्सेप्ट, यानी कि आप चेक कर सकते हैं मेरा जो यहाँ पे बन चुका है 781 TRON के आसपास। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, बाकी अदरवाइज़ आपकी इच्छा। और इस तरह से आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आप ऑन चेन में अगर इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो वहाँ पे आपको फ्री UMA टोकन्स यहाँ पे आपको ऑन चेन से मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि UMA टोकन्स की जो प्राइस थी थोड़ी कम हो चुकी हैं, आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर मेरे 2000 TRON प्लस अर्निंग यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, कम हो ज़्यादा हो अपने को तो प्रॉफिट ही आ रहा है, ज़्यादा लालच अच्छी बात नहीं है। तो अब ये ट्रॉन्स को मैं करूँगा यहाँ पे वजीरेक्स में सेंड, और वहाँ से करूँगा बैंक में विड्रॉल। ओके, तो देखिए वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अभी फंड के ऊपर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद में अब मैं यहाँ पे जाऊँगा लगभग ट्रॉन के ऊपर, सर्च करूँगा TRX डिपॉजिट, कॉपी करूँगा इसको, एड्रेस के ऊपर जाऊँगा, ट्रॉन लिंक के ऊपर सेंड, ये सेंड और ये पेस्ट, और यहाँ पे मैं सेंड कर दूँगा 1800 TRX। तो ये से हुआ सेंड, थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद में TRX को सेंड करके उसका विड्रॉल भी लेंगे बैंक में। ओके, तो ये मैंने इसको रिफ्रेश किया, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे ट्रॉन जो हैं वो कट चुके हैं। तो थोड़ा ट्रॉन का प्राइस अब भी गया है, परंतु क्या पता मार्केट कहाँ जाने वाला है, कोई नहीं जानता है, क्योंकि अदरवाइज़ जो बड़े बड़े ट्रेडर्स का दावा था कि मार्केट डाउन बहुत ही ऊपर जाएगा, बहुत ही पॉजिटिव मार्केट है, परंतु यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि मार्केट को कहाँ आना था और कहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ से जाएगा मार्केट थोड़ा सा ऊपर। ओके, मैं बता देता हूँ आपको, सीधी सी बात है, अगर इसको तोड़ेगा, अगर इस लाइन को इसे तोड़ेगा मार्केट, इस लाइन को या फिर इस लाइन को मान लेते हैं इस, तो बाद में काफ़ी नीचे आ जाएगा, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। परंतु ये जो लाइन है, अगर ये यहाँ पे अटका हुआ है, ठीक है, ये 12 घंटे की चार्ट है, और यहाँ से अगर ये बाद में जाएगा तो ट्रोन सब रिकॉर्ड यहाँ से टूटने वाले हैं। ठीक है, तो एक अच्छी बात है, अच्छी न्यूज़ है कि अगर आपने यहाँ पे ट्रोन होल्ड नहीं किए तो कर सकते हैं। और एक बात और है कि अगर आपने UNE टोकन्स भी अगर होल्ड नहीं किया तो होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे ये इसने इसको तोड़ा, ठीक है, यहाँ पे डाउन ट्रेड आया था, उसके बाद में अप गया, यानी ये ट्रेंड लाइन को इसने तोड़ा, इसको नहीं तोड़ा। अगर इसको तोड़ेगा तो नीचे आएगा, अगर इसको नहीं तोड़ा तो बाद में अप जाएगा, सीधी सी बात है।
तो एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है, अच्छी बात है कि टोन ऊपर जाने की संभावना भी है। और अब चेक कर लेते हैं अपने वैलेट में टोन्स आए हैं या नहीं आए। तो आप चेक कर सकते हैं, मेरे पास 1800 टोन आ चुके हैं। एक्सचेंज के ऊपर जाऊंगा, एक्सचेंज के ऊपर जाने के बाद में TRX INR, क्योंकि मैं जो विड्रॉल लूँगा, हाँ P2P नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। P2P में क्या होता है कि हर बार अपने साथ कुछ न कुछ लोचा हो जाता है, कभी कभार हो जाता है, जिसमें अगर विड्रॉल अटक गया तो वहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 4000 रुपये का मैं विड्रॉल लूँगा सेल। तो मेरा जो था यहाँ पे सेल भी हो चुका है, ये ड्रोन छलांग लगाने की तैयारी में है, लगभग ये जाएगा वापस 2.5 रुपये के आसपास। और मैं जाऊँगा यहाँ पे फंड में जाने के बाद में यहाँ पे जाऊँगा रुपीज़ में। एक मिनट, ये गया मैं विड्रॉल के अंदर। स्टैंड विलो रिकमेंड, यानी कि 4 रुपये के आसपास लगेंगे, और मैं यहाँ पे 4000 रुपये का विड्रॉल कर लेता हूँ, ठीक है। रिमार्क में आपको कुछ भी डालना है, ये विड्रॉल कंफर्म, आपको OTP डालना है आपके मोबाइल पे जो भी आएगा, उसके बाद में जीमेल से भी आपको वेरीफाई करना है। जब तक आप वेरीफाई नहीं करोगे तब तक आपका विड्रॉल सक्सेसफुल नहीं होगा, 5 मिनट के अंदर सक्सेसफुल भी नहीं होगा, प्लस कैंसिल भी हो जाएगा। तो एक अच्छी बात है कि ये अपने वैलेट को कोई बंदा अगर हैक भी करने के कम चांस रहते हैं, तो लाइव विड्रॉल है आपके सामने। वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और सीधी सी बात है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। एक मिनट, ये आ गया मेरे मोबाइल के अंदर मैसेज, तो मैं जाऊंगा अप्रूवल के ऊपर, अप्रूवल दिस विड्रॉल, ओके। तो ये मैंने कर दिया विड्रॉल वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। तो अब चेक करेंगे, इसको मैंने काट दिया, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरे पास लॉकेड, यानी कि 4000 रुपीज़ का मैंने यहाँ पे विड्रॉल लिया था, तो यहाँ पे लॉक हो चुका है, ठीक है। तो एक कर सकते हैं, अच्छी बात है। और मेरे पास जो वजीर एक्स टोकन्स पड़े हैं समथिंग 4481 के आसपास लॉक हैं, और टोटल जो 315 हैं वो विड्रॉल के लिए अवेलेबल है। ट्रांसफ़र हिस्ट्री में चले जाएंगे और प्रोसेस एंड विड्रॉल, ओके। तो यहाँ पे एक बार और रिफ्रेश करते हैं, अभी तक लॉक है तो वेट करेंगे थोड़ा, 5 मिनट। तो दोस्तों विड्रॉल जो था ये ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।